बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आल्सो टेकिंग इंटरेस्ट इन योर स्टडीज। हेयर इज योर टीचर सबा अख्तर, मास्टर ट्रेनर एंड लेक्चरर ऑफ बायोलॉजी, एंड आई एम गोइंग टू प्रेजेंट दिस लेक्चर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, अवर चैप्टर नंबर 22 इनहेरिटेंस इज कंटिन्यूड, एंड द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे इज अ कंपेरिजन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोजोफिला एंड ह्यूमन्स। एंड बेटा, दिस टॉपिक इज टेकन फ्रॉम क्लास सेकेंड ईयर। सो बिफोर स्टार्टिंग अवर टॉपिक, वट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टूडे? एट द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द कंपेरिजन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोजोफिला एंड ह्यूमन्स। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, कंपेरिजन ऑफ sex determination in drosophila and humans. Although both drosophila and humans follow the same xy xx sex determination pattern, beta yahan dono xy kar diya gaya hai, yahan par ek xy aur dusra xx hai, theek hai? To isko correct kar lijiye, ek hai xy and other one is xx sex determination pattern, and yet there is a difference between the two. बेटा कहते हैं ड्रोजोफिला और ह्यूमन बींग्स दोनों में सेम सेक्स डिटर्मिनेशन का पैटर्न यूज होता है, एक्स वाई और एक्स एक्स का, लेकिन ये फिर भी थोड़ा बहुत एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किस तरह से डिफरेंट होते हैं? प्रेजेंस ऑफ एस आर वाई जीन ऑन द वाई क्रोमोजोम इज इसेंशियल फॉर ट्रिगरिंग द डिवेलपमेंट ऑफ मेलनेस इन ह्यूमन्स। बेटा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें वाई क्रोमोजोम के ऊपर एक जीन मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं एस आर वाई जीन, और ये जो एस आर वाई जीन है ये ह्यूमन्स में मेल में मेलनेस को प्रोड्यूस करवाता है या मेलनेस की डेवलपमेंट करवाता है। जो मेल्स में मतलब बॉयज वाली जो खसूसियात आती हैं वो इस एस आर वाई जीन की वजह से आती हैं, ठीक है? मेलनेस डेवलपमेंट ये करवाता है ह्यूमन बींग्स में। एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोजोम सिंपली लीड टू द फीमेल डिवेलपमेंट पाथ। और बेटा अगर वाई क्रोमोजोम एब्सेंट होगा ह्यूमन बींग्स में तो फीमेल डिवेलपमेंट पाथ बन जाएगा। एक्स ओ टर्नर सिंड्रोम इन ह्यूमन्स प्रोड्यूस थ्रू नॉन डिस्जंक्शन इन अ स्टराइल फीमेल। बेटा देखिए, अगर सिर्फ एक्स क्रोमोजोम मौजूद होगा ह्यूमन बींग्स में, वाई क्रोमोजोम मौजूद नहीं होगा, सिर्फ एक ही सेक्स क्रोमोजोम मौजूद होगा, तो इस सिंड्रोम को हम कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम। ये ह्यूमन बींग्स में होगा तो इसको हम कहते हैं टर्नर्स सिंड्रोम, और इसमें क्या प्रोड्यूस होगा? मेल नहीं प्रोड्यूस होगा बेटा, इसमें फीमेल प्रोड्यूस होगी, और फीमेल जो होगी वो स्टराइल होगी। स्टराइल क्यों होगी? क्योंकि उसमें सिर्फ एक्स क्रोमोजोम की एक ही कॉपी मौजूद है और दूसरा जो क्रोमोजोम है सेक्स क्रोमोजोम है वो मिसिंग है, ठीक है? तो बेटा ऐसी जो फीमेल होती है उनकी हाइट छोटी होती है, शॉर्ट हाइट की वो होती है, और उनके उनका जो ओवरी का फंक्शन होता है वो टाइम से पहले ही लॉस्ट हो जाता है। मतलब उनकी जो ओवरीज होती हैं वो टाइम से पहले ही फंक्शन करना बंद कर देती हैं। और ऐसी जो फीमेल होती हैं बेटा जिनको ये टर्नर सिंड्रोम होता है, ये नेचुरली मतलब कंसीव नहीं कर पाती, शी कैन नॉट कंसीव अ चाइल्ड, कोई बेबी जो है वो ये कंसीव नहीं कर पाती, ठीक है? फीमेल्स में ऐसा होता है कि अगर वाई क्रोमोजोम नहीं होगा ह्यूमन बींग्स में तो फीमेल प्रोड्यूस हो जाएगी और वो स्टराइल फीमेल होगी। स्टराइल मतलब वो कंसीव नहीं कर पाएगी। बट इन ड्रोजोफिला एक्स ओ इज अ स्टराइल मेल। लेकिन बेटा जो ड्रोजोफिला है उसमें अगर ऐसा होगा कि एक एक्स क्रोमोजोम मिसिंग है तो उसमें मेल प्रोड्यूस होगा, फीमेल प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है? और ये जो मेल होगा ये क्या होगा? ये स्टराइल मेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है? फीमेल में स्टराइल फीमेल प्रोड्यूस हो रही थी, ह्यूमन बींग्स में स्टराइल फीमेल हो रही थी, और यहां पर क्या हो रहा है? ड्रोजोफिला में स्टराइल मेल प्रोड्यूस हो रहा है। सिमिलरली एक्स एक्स वाई इंडिविजुअल प्रोड्यूस थ्रू नॉन डिसजंक्शन गैमेट्स इन ह्यूमंस इज अ स्टराइल मेल कॉल्ड क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। बट द सेम एक्स एक्स वाई सेट ऑफ क्रोमोजोम इन ड्रोजोफिला प्रोड्यूस अ फर्टाइल फीमेल। बेटा इसी तरीके से एक और एग्जांपल दी हुई है, कहते हैं कि अगर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए, पहले हमने पढ़ा कि एक क्रोमोसोम कम हो गया, अगर एक क्रोमोसोम कम हो गया, सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम हुआ दूसरा नहीं हुआ सेक्स क्रोमोसोम, तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, स्टराइल फीमेल प्रोड्यूस होगी, इसको हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। और अगर बेटा एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया नॉन डिसजंक्शन की वजह से, गैमेट्स की नॉन डिसजंक्शन की वजह से,
तो एक्स एक्स वाई तीन मतलब क्रोमोजोम आ जाएंगे, तीन क्रोमोजोम आ गए, तीन सेक्स क्रोमोजोम आ गए, तो ह्यूमन बींग्स में स्टराइल मेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जिसमें मेलनेस की क्वालिटीज नहीं होंगी, सही है। और इस डिजीज को या इस सिंड्रोम को हम कहते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। और बेटा ड्रोसोफिला में अगर ऐसा हुआ कि एक सेक्स क्रोमोजोम ज्यादा आ जाता है, एक्स एक्स वाई तीन सेक्स क्रोमोजोम आ जाते हैं, तो ड्रोसोफिला में स्टराइल फीमेल फर्टाइल फीमेल प्रोड्यूस होगी। मेल में क्या हो रहा था बेटा, मेल में स्टराइल मेल प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन फीमेल्स इसमें ड्रोसोफिला में क्या हो रहा है, ड्रोसोफिला में फीमेल प्रोड्यूस हो रही है और वो फर्टाइल है, स्टराइल नहीं है, वो फर्टाइल है, मतलब वो रिप्रोड्यूस कर सकती है। देर इज अ क्लोज जेनिक बैलेंस बिटवीन जीन्स ऑफ डिफरेंट क्रोमोजोम, बेटा डिफरेंट क्रोमोजोम के जीन्स के दरमियान एक बिल्कुल क्लोज जेनिक बैलेंस होता है। ड्रोसोफिला हैज एन एक्स क्रोमोजोम ऑटोजोम बैलेंस सिस्टम, ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोजोम ऑटोजोम बैलेंस सिस्टम होता है, इसलिए यहाँ पर फर्टाइल फीमेल प्रोड्यूस हो रही थी। इट्स वाई क्रोमोजोम अपेयर टू हैव लिटिल इन्फ्लुएंस ऑन सेक्स, और बेटा इसमें जो वाई क्रोमोजोम होता है वो सेक्स पे ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता, ठीक है। हेयर एक्चुअली द एक्स क्रोमोजोम इज फीमेल डिटर्मिनिंग एंड द ऑटोजोम्स आर मेल डिटर्मिनिंग, यहाँ पर जो एक्स क्रोमोजोम है वो फीमेल डिटर्मिनिंग है क्रोमोजोम है, और जो ऑटोजोम्स हैं वो मेल डिटर्मिनिंग क्रोमोजोम्स हैं। सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंड्स मोर ऑन द नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम रिलेटिव टू द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ ऑटोजोम्स, तो बेटा यहाँ पर क्या होता है, इंडिविजुअल का जो सेक्स होता है या जो जेंडर होता है वो ज्यादा एक्स क्रोमोजोम के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, कि ऑटोजोम्स कितने होंगे ये उस पर डिपेंडेंट है। एन एक्स रेशियो ए ऑफ वन और हायर प्रोड्यूस फीमेल, अगर बेटा एक्स रेशियो ए जो है वो वन होगा या वन से हायर होगा, मतलब इससे ज्यादा एक्स क्रोमोजोम होंगे तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, वेयर एज एक्स रेशियो ए ऑफ 0.5 और लोअर प्रोड्यूस मेल, और अगर एक्स क्रोमोजोम ए का 0.5 रेशियो होगा या इससे भी कम होगा तो मेल्स प्रोड्यूस होंगे। फाइन बेटा, नाउ लुक एट दिस बॉक्स, देखें यहाँ ड्रोसोफिला और ह्यूमन लिखा हुआ है। ड्रोसोफिला में अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम होगा तो मतलब फीमेल है, ह्यूमन बींग्स में भी अगर एक्स एक्स क्रोमोजोम होगा तो फीमेल है, ठीक है। अब ड्रोसोफिला में अगर एक्स वाई क्रोमोजोम होगा तो मेल है, और ह्यूमन बींग्स में अगर एक्स वाई क्रोमोजोम होगा तो भी मेल है, क्योंकि ये सिंबल मेल की है और ये फीमेल की है, ठीक है। अब बेटा देखिए, अगर ड्रोसोफिला में एक एक्स या एक कोई सेक्स क्रोमोजोम मिसिंग होगा, सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम आएगा, तो इसमें क्या होता है, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये मेल होगा और स्टराइल मेल होगा, मतलब ये रिप्रोडक्शन नहीं करवा पाएगा, सही है। और अगर ह्यूमन बींग्स में ऐसा हो कि सिर्फ एक एक्स क्रोमोजोम हो, सेक्स क्रोमोजोम सिर्फ एक ही मौजूद हो एक्स क्रोमोजोम, और दूसरा सेक्स क्रोमोजोम मौजूद ना हो, तो फीमेल प्रोड्यूस होगी और ये क्या होगी, स्टराइल फीमेल होगी और ये कंसीव नहीं कर पाएगी, शॉर्ट इसकी हाइट होगी, ठीक है, क्योंकि एक इसमें सेक्स क्रोमोजोम क्या है, मिसिंग है, ठीक है। और बेटा अगर ड्रोसोफिला में सेक्स क्रोमोजोम तीन आ जाए, मतलब एक ज्यादा आ जाए, जिसको हम क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कह रहे थे, तो इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, फीमेल प्रोड्यूस होगी, और फीमेल क्या होगी बेटा, फर्टाइल फीमेल प्रोड्यूस होगी। लेकिन अगर मेल में ऐसा हो जाए कि तीन सेक्स क्रोमोजोम आ जाए, तो क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, यहाँ पर मेल प्रोड्यूस होगा, और मेल कैसा होगा, स्टराइल मेल होगा, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा था, स्टराइल फीमेल प्रोड्यूस हो रही थी ह्यूमन बींग्स में, और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो रहा है, स्टराइल मेल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है बेटा। अब प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम है आपके पास, व्हाई आर द चांसेस फॉर अ हस्बैंड एंड वाइफ हैविंग इधर अ बॉय और गर्ल 50:50, मतलब 50-50% बेटा चांसेस क्यों होते हैं हस्बैंड और वाइफ के लिए, कि उनका उनके 50% ये चांसेस होते हैं कि बेबी बॉय होगा और 50% ये चांसेस होते हैं कि बेबी गर्ल होगी। तो इसका आंसर क्या है, बिकॉज हाफ ऑफ द स्पर्म कैरी एक्स क्रोमोजोम एंड हाफ कैरी वाई क्रोमोजोम, सो इट विल बी इक्वल चांसेस टू गेट अ बेबी बॉय और अ बेबी गर्ल, ठीक है। क्योंकि देखिए जो स्पर्म होते हैं बेटा, हाफ स्पर्म एक्स क्रोमोजोम को कैरी करते हैं और हाफ जो स्पर्म होते हैं वो वाई क्रोमोजोम को कैरी करते हैं, तो इक्वल चांसेस होंगे कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा, क्योंकि फीमेल्स जो होती हैं उनमें एक्स एक्स क्रोमोजोम ही मौजूद होते हैं।
दूसरा प्रॉब्लम है व्हाई आर द चांसेस फॉर अ हस्बैंड एंड वाइफ. अच्छा ये सेम बेटा वही प्रॉब्लम है जो हमने पिछली स्लाइड पे डिस्कस किया है. दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं 22.11. अ वैमन प्रोड्यूस फोर डॉटर्स इन सक्सेसिव प्रेगनेंसी. वट आर दी प्रोस्पेक्टस ऑफ हर गेटिंग अ सन इन द फिफ्थ प्रेगनेंसी इफ इट आकर्स. बेटा कहते हैं कि एक वैमन जो है उसकी चार बेटियां हुई हैं, ठीक है, और अब फिफ्थ प्रेगनेंसी में कितने परसेंट चांसेस होंगे कि उसका बेटा होगा, उसका सन होगा, तो कितने परसेंट चांसेस होंगे? डेफिनेटली 50% चांसेस ही होंगे, क्योंकि 50-50% ही चांसेस होते हैं कि बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा. फाइन. अब 22.12 क्वेश्चन है, प्रॉब्लम है. इफ बोथ पेरेंट्स आर ए पॉजिटिव एंड हैव एन ओ नेगेटिव चाइल्ड, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पॉजिटिव डॉटर्स एंड ए पॉजिटिव सन इन द नेक्स्ट प्रेगनेंसी. बेटा यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन योर नोटबुक्स एंड देन सेंड टू मी ऑन माई ई मेल एड्रेस. ठीक है बेटा, इसको मेरी ई मेल एड्रेस पे आपने सेंड करना है. दो मैंने आपको बता दिए हैं, थर्ड वन की जो सारी ये जो प्रॉब्लम है इसकी सारी पॉसिबिलिटीज आपने चेक करनी है, सारी जो है पॉसिबिलिटीज वो आपने लिखनी है एंड देन सेंड टू मी ऑन माई ई मेल एड्रेस. माई ई मेल एड्रेस इज sabaakhtar336@gmail.com. एंड बेटा इफ यू आर फीलिंग एनी डिफिकल्टी जब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपको ना समझ आए, यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन. ठीक है बेटा, सो इट वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप यू हैव गॉट दी कॉन्सेप्ट्स, बट इफ यू आर फीलिंग एनी कंफ्यूजन आई एम हेयर टू फैसिलिटेट यू ऑल. सो बेटा टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.